इन्हें नंगा किया जाता है, इनका चीरहरण किया जाता है, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है, इन्हें खुलेआम पीटा जाता है, इन्हें धमकियां दी जाती है, इन्हें जिंदा तक जला दिया जाता है, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता सच्चाई को लाने की है, क्योंकि ये पत्रकार है जो सामाजिक और जन चेतना की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ पत्रकारों की अर्धनग्न थाने से वायरल तस्वीरों ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था, जिसके पश्चात कई प्रश्न उठे। सामाजिक सच्चाई और राजनीतिक सच्चाई को एक चश्मे से देखकर यदि कहा जाए तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि सच्ची न्यूज, खोजी पत्रकारिता और भ्रष्टाचार जैसे समाचार अब छपते ही नहीं। वजह कई हो सकती है, पर मूल वजह में जाए तो पत्रकारों ने जिस तरह अपनी छवि स्वयं खराब की है, उसका खामियाजा भी बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। आज हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है, जबकि पत्रकारिता की मूल आवश्यकता से उसका लेना देना ही नहीं होता। दूसरी विकट समस्या सरकारों, प्रशासन और दबंगों द्वारा पत्रकारों को नियंत्रित करने का कार्य तेजी से करने की वजह से उत्पन्न हुई है। आज जिस बात पर हम हल्ला मचा रहे हैं और आजादी की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी तो जिम्मेदार हैं। पर इन सब बातों के बीच पत्रकारों की भी अपनी एक बड़ी समस्या है, मसलन आमदनी नाम मात्र होना, प्रशासन सरकारों का डर और निजी लाभ में लिप्त होना भी पत्रकारों की छवि को खराब कर रहा है। प्रत्येक पेशे की एक न्यूनतम आवश्यकता होती है, पर पत्रकार बनने की इन्हीं कमियों और खामियों का लाभ सरकारी प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारी और नेता उठा रहे हैं। जहां पत्रकारों के खिलाफ अमानवीय घटनाओं में तेजी आई है, वही अब चौथे स्तंभ का खुला चीरहरण भी होने लगा है। समाज और ज्ञानियों के साथ साथ आम आदमी को गर्व इस बात का होना चाहिए कि अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार है और निडर भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं। देश में सच्चे और निडर पत्रकारों की स्थिति कितनी विषम बन चुकी है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। कहते हैं यदि आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप शांत रहते हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है, पर इस सच्चाई से पत्रकार बंधु आज भी परिचित नहीं है। तभी तो एक दो नहीं, इनके कईयों संगठन हैं, पर जरूरत के समय कोई दिखाई नहीं देता। अब सच्ची खबरें तभी छप पा रही है जबकि उनको प्रसारित करने के पीछे चुनिंदा लोगों का निजी स्वार्थ हो, अन्यथा उन खबरों का पता ही नहीं चलता क्या हुआ। कई ऐसे पत्रकार भी हैं जो खबरों के नाम से वसूली करने से भी नहीं चूकते। इस तरह की मिश्रित श्रेणियों की वजह से ही पत्रकारिता अब प्रश्नों के घेरे में है, जबकि इस क्षेत्र के लिए पत्रकार आयोग का गठन होना अनिवार्यता की एक पायदान से भी ऊपर की आवश्यकता बन चुका है। समाज और ज्ञानियों के साथ साथ आम आदमी को गर्व इस बात का होना चाहिए कि अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने पेशे के प्रति ईमानदार है और निडर भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं। देश में सच्चे और निडर पत्रकारों की स्थिति कितनी विषम बन चुकी है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रांस की संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स ने पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को दुनिया में सबसे खतरनाक देशों में रखा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलेगा कि भारत में मीडिया की आज़ादी के मामले में रैंकिंग लगातार तेजी से गिर रही है। फ्रांस की संस्था की रिपोर्ट के 2002 में 180 देशों में हिंदुस्तान की रैंक 80वें नंबर पर थी। यह रैंकिंग 2010 में गिरकर 122 और ब्लॉक प्रेस 2012 में 131 पर आ गई। वर्ष 2013 और 2014 में भारत की रैंकिंग और फिसल कर 140वें नंबर पर आ गई। पिछले दो साल यानी 2020 और 2021 में भारत 142वें नंबर पर है। यह आंकड़े बिना किसी शब्दों के कई बातों की पुष्टि कर देते हैं। पत्रकारों को न केवल पुलिस के हमले झेलने पड़े
पत्रकारों को न केवल पुलिस के हमले झेलने पड़ते हैं बल्कि राजनेता भी उन पर हमला करते हैं और भ्रष्ट अधिकारी भी उन पर हमला करते हैं। नीतियों का विरोध करने या किसी सरकार व्यक्ति के खिलाफ सच्चाई के उजागर करने पर उन्हें जान से मारने की न कि धमकी दी जाती है बल्कि उसे मूर्त रूप भी दिया जाता है। कमेटी टू प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में 28 पत्रकारों को उनके काम के चलते जान गंवानी पड़ी है। बिहाइंड बार्स अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2010 से 2020 के मध्य में कुल 154 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज की गई। इन आंकड़ों को विस्तारित रूप से देखें तो पता चलता है कि 2010 से 2016 के मध्य मात्र 33 केस पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2017 से 2020 यानी कि मात्र 3 वर्षों में 121 केस दर्ज हुए हैं। इन दर्ज ज्यादातर मामलों में देशद्रोह और UAPA के तहत आरोपी बनाया गया था। देश में सबसे अधिक हिंदी भाषी पत्रकारों की संख्या है, जबकि अंग्रेजी भाषी पत्रकारों की संख्या दूसरे क्रम पर है। पत्रकारों के लिए राज्य और केंद्र के अपने अलग अलग नियम हैं। चीरहरण रोकने के लिए अब जरूरत है पत्रकारों के हितों को सुरक्षित करने की, और इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि केंद्रीय स्तर पर पत्रकारों के लिए नियमावली बनाई जाए जिसमें इनके अधिकार और कर्तव्यों के साथ साथ न्यूनतम वेतन, कार्य के घंटे, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, जॉब सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश हो, जिसे एक पत्रकार अपने हितों और दायित्वों की पूर्ति करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों पर हमलों का रिकॉर्ड अलग रखा जाए। एक पत्रकार समाज का आईना होता है जो सच्चाई को उजागर करता है। उसके लिए यह जरूरी है कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो, क्योंकि यदि स्वतंत्रता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं समाज के सामने सच्चाई नहीं आ पाएगी। ऐसे में परिवर्तन की आस करना स्वयं के साथ बेईमानी करने जैसा होगा। समय के साथ साथ चौथे स्तंभ पर भरोसे की उम्मीदों में जिस तरह कमी आई है उसे दूर करने के लिए सरकार, समाज, प्रशासन के साथ साथ स्वयं पत्रकारों और संस्थानों को भी एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक और सामूहिक जनहितों को प्राथमिकता देने की अब जरूरत है। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद करके पत्रकारों के शोषण को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में छवि सुधारी भी जा सकती है। हम सभी को इस बातों को समझने और स्वीकार करने की भी जरूरत है, क्योंकि सच्चाई सामने लाना तब जरूरी है जब बात जनमानस के बड़े पैमाने पर हितों की हो, अन्यथा आज की परिस्थिति में पत्रकारों की स्थिति आने वाले दिनों में और अधिक विषम देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल की खास पेशकश, महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज, निष्पक्ष और निडर।